हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीआरपीएफ में जो 8वीं पास के लिए वैकेंसी निकली हुई है लेबर की, उसमें आपको किस सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इसमें क्या एज रखी जाएगी। संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम आप यहां देख सकते हो मित्रों, जो हमारी आज का रिक्रूटमेंट जारी हो रहा है वो हो रहा है सीआरपीएफ में। तो यहां देख सकते, रोजाना सरकारी नौकरी की वीडियो पाने के लिए चैनल को आपको यहां से सब्सक्राइब करना है मित्रों। यहां देख सकते हो सब्सक्राइब करना है तथा साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे, इस बेल आइकन को दबाना तथा साथ ही इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर करना है। तो इसके बाद में हम आपको ऑफिशियल पीडीएफ है वो दिखा देंगे। पहले हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो इसमें जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है केवल 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास है तो इसमें आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं पद नाम, किस पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकल रही है। तो यहाँ मित्रों लेबर की पोस्ट निकल रही है। यहाँ आपको जो लेबर मिल रहे हैं वो अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों प्रकार के लेबर आपको इस भर्ती प्रक्रिया में है वो देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सभी राज्यों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आप यदि किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो एज रखी गई है मित्रों वो रखी गई है 18 से लेके 40 ईयर्स के बीच। यदि आपकी आयु है, उम्र है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको विज्ञप्ति दिखा देते हैं, विज्ञप्ति के माध्यम से अधिक जानकारी आपको दे देते हैं। तो मित्रों एक गुड न्यूज है, यदि आप एसएससी, जीडी, आर्मी, रेलवे या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यदि आपको बैक क्वेश्चन की आवश्यकता है तो हमें अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हमें आप अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों सीआरपीएफ की इस वैकेंसी में जो आपको पोस्ट मिल रही है वो मिल रही है सफाई कर्मचारी और वाशरमैन की, दो प्रकार की इसमें आपको पोस्ट मिल रही है। ठीक है मित्रों, इसमें आपको जो पे स्केल मिलेगा वो मिलेगा मिनिस्टर ऑफ लेबर, जो लेबर है उसके आधार पे आपको इसमें पेमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो आपकी योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो मित्रों यहाँ देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है केवल 8वीं पास। ठीक है मित्रों, इसमें आपको होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का और हिंदी और लोकल जो लैंग्वेज है उसका। इसके बाद में हम बात करते हैं एज की, तो एज होनी चाहिए मित्रों आपकी इसमें 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच। इंटरव्यू डेट है मित्रों इसमें आपका जो है फिजिकल नहीं होगा, सीधा आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में डेट और मोबाइल नंबर बता दूंगा उसे कि आपको आसानी से एड्रेस पर पहुंच जाओगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पढ़ के जाना है यदि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। तो इसमें इतने ही टर्म और कंडीशन जो नियम और शर्तें दिखा रखी हैं, तो आप यदि इस फॉर्म के इच्छुक है तो ये पढ़ के जाना। और इसके बाद में हम दिखा देते हैं सीधा एड्रेस वगैरह। तो यहाँ जो वैकेंसी निकल रही है वो निकल रही है कंपोजिट हॉस्पिटल सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ का जो हॉस्पिटल है उसमें आपको सफाई कर्मचारी और धोबी की पोस्ट मिल रही है। यहाँ देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, डिफेंस की जॉब मिल जाएगी आपको। तो यहाँ देख सकते हो इसमें क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ देख सकते हो आप कि इसमें जो वैकेंसी मिल रही है वो मिल रही है आपको हॉस्पिटल में, तो यहाँ देख सकते हो। इसके बाद में आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है, लेबर, और लेबर में यहाँ स्किल और अनस्किल की पोस्ट मिल रही है। ठीक है मित्रों, इसमें आपको जो ये वैकेंसी जो मिल रही है डेली बेसिस पे आपको ये वैकेंसी मिल रही है, यदि आप इंटरेस्ट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किस प्रकार वो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको मैं जो डेट बता रहा हूँ डेट पे आपको पहुँच जाना है इस एड्रेस पे। तो यहाँ देख सकते हो ये एड्रेस है मित्रों, सॉरी ये दिनांक है 10/10/2018 को। कहाँ पहुँचना है, कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर कैंपस, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, कैंपस भुवनेश्वर। तो आपको ये भुवनेश्वर के इस कोबरा डिस्ट्रिक्ट में आपको पहुँचना है। तो यहाँ देख सकते हो मित्रों आपको ये पिन दिखाई दे रहा है, साथ साथ एक मोबाइल नंबर सॉरी फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है। इस फ़ोन नंबर पे आप पहले जानकारी ले लेना विभाग से। ठीक है मित्रों, इस नंबर पे यहाँ दिखा रखा है एक नंबर, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में।
तो इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि डेली बेसिस पे रखा जाएगा इसमें। तो ये है कि जो अनुबंध पे भर्ती ली जाएगी, इसमें आपको परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जैसे ही कि आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो आपको इसमें जो है कि संविदा बेस पे रखा जाएगा। तो यहाँ जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही है, यहाँ देख सकते हो, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इंटरेस्ट हैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने, तो यहाँ देख सकते हो मित्रों, इस फोन नंबर पर पहले आप बात कर लेना ऑफिशियल, ये जो नंबर है नंबर पे आप फ़ोन करके पहले पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की भर्तियां हैं वो आप इस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो पीडीएफ आ जाती है लेकिन सभी को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो, और यहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, अदर जो आइडेंटिफाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ लेकर जाने हैं आपके। यहाँ 8वीं की मार्कशीट है। तो मित्रों, ये जॉब निकल रहा था तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दें, क्योंकि ये जॉब निकल रहा है भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। तो आप यदि इंटरेस्ट है तो इसमें भाग ले सकते हैं।